पंचायत राज विभाग के अधीन उत्तर प्रदेश पंचायती राज ग्रामीण सफाई कर्मचारी संघ के प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर शुक्रवार को जिला अध्यक्ष चंद्रशेखर की अध्यक्षता में 8 सूत्रीय मांग को लेकर नगर निगम के रानी लक्ष्मीबाई पार्क में धरना दिया। ग्रामीण सफाई कर्मचारियों की मुख्य मांगों में पंचायत विभाग के सफाई कर्मचारियों का नाम पंचायत सेवक किया जाए, मान्यता प्राप्त संघ के संचालन हेतु संघ कार्यालय आवंटित किया जाए, पेरोल व्यवस्था समाप्त की जाए, सफाई कर्मचारियों को वेतन मद एक हेड में दिया जाए सहित विभिन्न मांगे हैं। इस अवसर पर भारी संख्या में ग्रामीण सफाई कर्मचारी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए प्रदेश अध्यक्ष अखंड प्रताप सिंह ने कहा, हमारे दुखों के साथी जो तमाम संवर्गों से यहाँ उपस्थित है हमारे धर्मों को सफल बनाने के बहुत बहुत धन्यवाद साथी, आपने नारा लगा हमारा सहयोग किया। मैं उत्तर प्रदेश ग्रामीण सफाई कर्मचारी संघ का प्रदेश अध्यक्ष हूं। मेरा नाम अखंड प्रताप सिंह। मुख्य मांगे क्या है? मुख्य मांगे हमारी हैं, नंबर एक पे हमारी मांग है उत्तर प्रदेश के सफाई कर्मचारी जो ग्रामीण सफाई कर्मचारी हैं उनसे हर काम लिया जाता है। वो होटल लिस्ट का भी काम करते हैं, बीएलओ का भी काम करते हैं, सर्वे का भी काम करते हैं, नाली भी साफ करते हैं, झाड़ू भी लगाते हैं। उनका नाम केवल सफाई कर्मचारी है, लोग केवल उनको सफाई कर्मचारी की हैसियत से ही देखते हैं, लेकिन काम उनसे होटल लिस्ट भी बनवाई जाती है, बीएलओ का भी काम लिया जाता है। मैं ये कहना चाहता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी से कि उनका नाम बदल करके पंचायत सेवक कर दिया जाए, क्योंकि पंचायत में रह करके गाँव सभा में रह करके वो सारी सेवा करते हैं, चाहे वो होटल लिस्ट बनाना हो, चाहे वो बीएलओ का काम करना हो, चाहे नाली साफ करना हो, चाहे सर्वे करना हो, तो इनका नाम पंचायत सेवक कर दिया जाए।